अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको ज़ारा मले कॉन्सेप्ट्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी, और क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसमें मेजर टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें मेन मेन टॉपिक्स कौन से हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। इसका जो मेन टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपको नाम से ही शो हो रहा होगा कि बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि चैप्टर का नाम भी बायोडाइवर्सिटी है। तो सबसे मेन टॉपिक जो है इसका बायोडाइवर्सिटी है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल इसका जो है वो नेक्स्ट है। अब मजीद इसके सब टॉपिक्स देखते हैं कि सब टॉपिक्स इसके क्या हैं। तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एंड देन जो लास्ट है वो है स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि मेन जो टॉपिक्स थे उसमें हमने मजीद जो टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो ये है कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, उसकी जो किस बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया था, एंड देन टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, मींस वैरायटी विद इन अ स्पीशीज, स्पीशीज के साथ, स्पीशीज के अंदर, एंड अमंग स्पीशीज, और स्पीशीज में, मतलब के लाइक ह्यूमन का ह्यूमन के साथ, एंड देन अमंग स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ। तो इसकी जो वैरायटी है उसके साथ जिसकी जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो है बायोडाइवर्सिटी is a measure of variety. Biodiversity is a measure of variety of organisms present in different ecosystem. Biodiversity जो है वो एक वो variety का ऐसा organisms की जो variety है उस वो पाई जाती है different ecosystem के अंदर. Then the diversity of plants. Plants की diversity को हम flora बोलते हैं. Then animals की diversity को हम क्या बोलते हैं, fauna बोलते हैं, कि वो किस हद तक उसकी, मतलब कि उसको फैलाया गया है या उसकी तकसीम की गई है। तो जो प्लांट्स की तकसीम है उसको हम फ्लोरा बोलेंगे, जो एनिमल्स की तकसीम है उसको हम फौना बोलेंगे। इन अ रीजन, इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, उसकी क्लाइमेट, ये रीजन के अंदर जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि उसकी आबोहवा कैसी है, एल्टीट्यूड उसकी ऊंचाई कितनी है, सॉइल्स मिट्टी किस टाइप की है, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, और दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी में इसकी क्या प्रोग्रेस है। तो देन है बायोडाइवर्सिटी जो है वो फाउंड, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ द एवोल्यूशन। जो बायोडाइवर्सिटी है वो जमीन के ऊपर जो आजकल इसकी जो रिजल्ट है वो 4 बिलियन, मतलब कि 4 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशन के, 4 बिलियन जो है ईयर्स है उसके बाद भी इसका रिजल्ट आज भी मेंटेन है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो लाइफ का जो मकसद है, जो लाइफ का ओरिजिन है, जो लाइफ का एक महवर है, इज नॉट वेल नोन टू साइंस, साइंस के हिसाब से बहुत नहीं माना जाता। थ्रू लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट until 600 million years ago, मतलब कि 600 साल पहले की बात है, ये 600 साल पहले की जो evidences हैं उनको life के origin of life के लिए बेहतर नहीं माना जाता। Then all life consisted of bacteria, तमाम life जो है वो bacteria and similar और उसी के ही जैसे unicellular organism, unicellular बोलते हैं एक cell से बने हुए organisms को। Our life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. तमाम life जो है वो bacteria पे मुश्तमिल होती थी और इसी तरह के और इससे मिलते जुलते same organisms के साथ। तो next जो है वो है importance of biodiversity, के biodiversity की importance क्या है। तो अब हम next जो topic है उसको देख रहे हैं कि इसकी biodiversity की importance क्या है, कि इसकी अहमियत क्या है।
बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स, बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है फूड को फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस को खुराक मुहैया करती है. अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब कि बायोलॉजिकल सोर्सेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट जो है वो ड्रग्स जो है ड्रग्स की सूरत में भी ये ली जाती है. जैसे एक ड्रग्स को हम लेते हैं तो सेम बायोडायवर्सिटी जो है वो ह्यूमंस को खुराक प्रोवाइड करती है. अ वाइड रेंज बड़े पैमाने पे ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, मतलब कि इंडस्ट्रियल सनती जो मटेरियल है जो मवाद है उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसकी जो रेंज है बहुत वसी पैमाने पर है. बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया जो हम बिल्डिंग्स को मतलब के वो करते हैं बनाते हैं तामीर करते हैं उसके मटेरियल, जो फाइबर्स हो गया, डाइज रीजन जैसे हम लोग रंग करते हैं रंग वगैरह, पेंट हो गया, गम्स हो गया, एडिसिव रबर एंड ऑयल ऑफ डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. और ऑयल जो है ये हम प्लांट से डायरेक्टली हम लेते हैं या डायरेक्टली हम प्लांट से ये सारी चीजें लेते हैं. नेक्स्ट जो है वो है बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स. बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है किसमें, इस इकोसिस्टम को बनाने और इसको मेंटेन करने में. इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमोसफियर एंड वाटर सप्लाई. ये जो है ये केमिस्ट्री को रेगुलेट करना अपने एटमॉस्फेयर के साथ, मतलब के जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं या रेगुलेटेड उससे निकाली गई हैं उससे बनाई गई हैं, और वाटर सप्लाई के ऊपर ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ये बहुत अहम पार्ट है. नेक्स्ट जो है वो है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब के जरमकियात की रिसाइकलिंग को करने के लिए एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल और जमीन को जरखेजी प्रोवाइड करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है और बहुत बड़ा हाथ है इसमें. वो ये भी डायरेक्टली तौर पे मतलब कि डायरेक्ट ये उसमें कन्वर्ट करता है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं. तो देयर इज अ लार्ज कलेक्शन, आइए अब हम देखते हैं इसकी एम्स और प्रिंसिपल्स को. तो इसमें वो बता रहा है कि देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर, मतलब कि वो कहते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर इसकी कलेक्शन की गई है मतलब के ऑर्गेनिजम्स की अर्थ के ऊपर डिसिमिलर, जो कि बहुत डिसिमिलर है, बहुत डिसिमिलर फॉर्म में पाया जाता है मतलब कि जिसकी मुशाबत नहीं है. ओवर 1.5 मिलियन, ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कि 1.5 मिलियन टाइप्स जो है वो एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स जो है वो प्लांट्स की हैं. आर नॉन टू बायोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजिस्ट में मतलब कि एज अ प्लांट्स की टाइप्स को जाना जाता है. एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, जबकि बहुत कम परसेंटेज जो है ऑफ द टोटल टाइप्स इन तमाम मतलब कि 1.5 मिलियन टाइप्स एनिमल्स के हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स जो है वो प्लांट्स के हैं जो कि बायोलॉजिस्ट में जाने जाते हैं. मतलब कि एज अ बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया है कि इतनी टाइप्स जो है वो एनिमल्स की हैं और इतनी टाइप्स जो है वो प्लांट्स की हैं और ये बहुत स्मॉल मतलब के हैं. और इसके अलावा इसकी जो परसेंटेज है मतलब कि इसका इनमें सारी जो टाइप्स हैं इनमें से इनकी जो परसेंटेज है वो एस्टिमेट लिव और मतलब कि बहुत कम जो है टोटल के में से बहुत कम जो टाइप्स हैं वो अर्थ पे जिंदा हैं इस टाइम. द रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग, द रेंज इन कम्प्लेक्सिटी इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम है एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, और बहुत कम जो सिंपल बैक्टीरिया होते हैं वो बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी का शिकार है. सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ इनमें से जो है वो समंदर में रहते हैं. सम ऑन लैंड, कुछ जमीन पे. एंड सम वॉक, और कुछ वॉक करते हैं. अदर्स फ्लाई, और दूसरे जो है वो उड़ते हैं. एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ जो है दूसरे जो है वो मतहरक हैं मतलब कि वो हरकत नहीं कर रहे.
और नेक्स्ट जो है इसका वो हम देखते हैं प्रिंसिपल्स। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो है ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, मतलब कि इनमें से जो ईच जो हर कोई है वो अपनी लाइफ पे रवा दवा है, गेटिंग फूड खुराक हासिल करने के लिए, अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। और इनकी अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि इनके पास जो है अनफेवरेबल कंडीशन है फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव और रहने के लिए जगह को तलाश करना, एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड और अपनी काइंड को रिप्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स, व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस जबकि इसमें बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स की जो काइंड्स हैं वो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न, इनको समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी की जरूरत होती है, मतलब कि बहुत डिफिकल्टी पेश आती है अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन सब की, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। और क्योंकि इनमें मिक्सअप हो जाती है सारी चीजें, तो हर किसी को मतलब कि हर स्पीशीज को, हर कैटेगरी को और हर काइंड को अलग अलग स्टडी करना चाहिए। सो टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन, बड़ी कलेक्शन को स्टडी करना, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। अब देखिए अगर सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी तो हमें समझ नहीं आएगी कि कौन सी स्पीशीज किस मतलब के ग्रुप्स की है या कौन से ग्रुप्स में रखी गई है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनका लिविंग स्टाइल क्या है। तो उन इन सब बेसिस के ऊपर बायोलॉजिस्ट ने है वो क्या किया है कि क्लासिफाई कर दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया, तकसीम कर दिए, क्लासेस में इनको रख दिया है द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म जानदार को इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इस टास्क की रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए कुछ सिस्टम की जरूरत है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इज अ मेथड, एक ऐसा तरीका है बाय विच बायोलॉजिस्ट जो के बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी जो है वो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच वे डील्स विद द क्लासिफिकेशन जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील होती है जिसकी, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, मतलब कि क्लासिफाई करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन और ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है एंड आल्सो ट्रेसेस और इसको ट्रेस भी करती है द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस भी करती है और क्लासिफिकेशन के साथ डील भी करती है, क्लासिफिकेशन करती है, देन इज नोन एज सिस्टीमेटिक्स। तो इसको हम सिस्टीमेटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी में ओनली क्लासिफिकेशन होती है जबकि सिस्टीमेटिक के अंदर ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज भी, ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी ये ट्रेस करती है। द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस, अब इन दोनों ब्रांचेस के जो मेन एम्स है वो क्या है ये देखते हैं। टू डिटरमाइन करना सिमिलैरिटीज को एंड डिफरेंसेस को, मतलब कि एक जैसी चीजें और उनमें जो इख्तलाफ होता है उनको डिटरमाइन करना अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजली, मतलब कि सिमिलैरिटीज और जो इख्तलाफात जो डिफरेंसेस हैं उनको ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो पाए जाते हैं उनको स्टडी करना जो है, मतलब कि उनकी उनको डिटरमाइन करना और ये कि वो आसानी से स्टडी हो सके। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी का उसको तलाश करना। ये तो थे इसके एम्स क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, मतलब किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन जो है वो रिलेशनशिप को इसका किस पे बेस करता है अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, एंड सच रिलेशनशिप इज गॉड थ्रू, और इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो थ्रू सिमिलरिटीज, वो करैक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज के थ्रू हासिल किया जाता है।
These similarities suggest that our organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. These similarities, इसकी जो similarities हैं, जो मुशाबियत हैं, तमाम organisms के साथ related, तमाम organisms का एक दूसरे organisms के साथ evolutionary histories में, उनकी evolutionary histories में एक point आता है जहाँ पे हम इनकी similarities को suggest कर सकते हैं कि एक point पे इन दोनों की जो similarities थी वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी। तो उस पॉइंट जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है उसके उसमें एक ऐसे पॉइंट के ऊपर इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेट होने को सजेस्ट करना। नेक्स्ट है, हाउएवर, ताहम सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। देन अदर फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहा है कि स्पैरो, चिड़िया जो है, स्पैरोज चिड़िया जो है आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन। अब चिड़िया जो है वो पिजन जो कबूतर है उसके साथ उसकी जो मुशाबहत है, उसके साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, रिलेटेड है वो। देन टू इंसेक्ट्स, मतलब कि इंसेक्ट्स की बजाय वो पिजन्स जो है, स्पैरोज जो है वो पिजन्स के साथ उसकी रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज रिलेटेड है। देन इट मीन्स दैट द फॉर्मर, इसका मतलब है कि जो इसकी जो फॉर्मेशन है, टू हैव कॉमन एवोल्यूशन हिस्ट्री, के ये दो कॉमन जो है एवोल्यूशन हिस्ट्रीज रखती है, मतलब कि इंसेक्ट्स के साथ भी है, देन ये पिजन के साथ भी रिलेटेड है। तो इसके अंदर दो एवोल्यूशन हिस्ट्रीज को, हिस्ट्रीज का जिक्र आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट वो ये है कि व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था कि इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। द सिमिलरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो बैरूनी और अंदरूनी स्ट्रक्चर्स और जो डेवलपमेंट की स्टेज हैं उनकी बेस पे इनको ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट ने इनको क्या किया था, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स एन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट। अब जो मॉडर्न जेनेटिक्स थी उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन जो टैक्सोनॉमिस्ट की जो इंफॉर्मेशन थी, उसकी जो टाइप थी, उसको एक दूसरी तरह, दूसरी टाइप जो है वो प्रोवाइड कर दी। द सिमिलरिटीज, मुशाबियत, सिमिलरिटीज जिसमें एक जैसी चीजें होती हैं, एंड डिफरेंसेस, और जिसमें एक अलग, जिसमें चीजें मुख्तलिफ होती हैं, इन द डीएनए। डीएनए में एक सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की दो तरह से स्टडी की गई, कैन बी यूज, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गेटिंग आइडिया, और आइडिया एक ख्याल हासिल करने के लिए अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर है और जो उसके फंक्शन है, उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को मैं एक आइडिया हासिल करने, उनके मुताबिक एक आइडिया हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए की बेस पे हम स्टडी करते हैं, मेन जो है डीएनए। अगर डीएनए में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है देन इसको हम उसी बेस के ऊपर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाई आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। अब ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बेस पे और या टैक्सा की बेस पे। तो टैक्सा जो है वो प्लूरल है, जबकि इसका सिंगुलर जो वाहिद है उसको हम टैक्सोन बोलते हैं। द टैक्सा फॉर्म आर लीडर, टैक्सा जो है वो लीडर से निकाला गया है, कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पांच किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं। सो किंगडम्स, किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सोन, किंगडम जो है वो बहुत बड़ा टैक्सोन है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज की बेस के ऊपर ईच किंगडम जो है, ईच किंगडम्स इज फर्दर, हर किंगडम जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू स्मॉलर टैक्सा में इन द फॉलोइंग वे, मतलब कि स्मॉलर टैक्सा में इसको डिवाइड किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो है इसकी डिवीजन फॉर प्लांट्स। सबसे पहले हम फाइलम को देखते हैं कि इसका फाइलम क्या है। फाइलम है डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई, प्लांट्स और फंजाई में अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, फाइलम हो गया।
इसको हम एक फाइलम का ग्रुप जो है उसको रिलेटेड क्लासेस के साथ हम रखते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी क्लास, सबसे पहले फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये इसकी जो है अरेंजमेंट जो है इसकी सेम यही आएगी। फॉर प्लांट्स एंड फंजाई अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। नेक्स्ट है क्लास, नेक्स्ट है क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। क्लास में जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड चीज ग्रुप्स में रखा जाता है, और क्लास जो है ऑर्डर जो है, नेक्स्ट है ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। मतलब कि देखिए फाइलम में जो है वो क्लासेस है, मतलब कि फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, फाइलम जो है वो क्लास से रिलेटेड है, क्लास जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड है, और ऑर्डर जो है वो फैमिली से रिलेटेड है। देन फैमिली जो होगा वो जेनरा से रिलेटेड है, मतलब कि नेक्स्ट जीनस है तो वो जेनरा से रिलेटेड है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। नेक्स्ट जो जेनरा है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी स्पीशीज है, अ जेनरा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। नेक्स्ट जो जेनरा है वो किसके साथ, जीनस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, स्पीशीज के साथ। और स्पीशीज जो है कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी इसकी क्लासिफिकेशन, सबसे पहले फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सॉन, मतलब के लोअर टैक्सॉन के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ हायर, मतलब के लोअर के जो है वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल्स करते हैं बनस्पत के हायर टैक्सॉन के जो मेंबर्स हैं उनकी बजाय वो अपने ही जो निचले तबके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है, जो उनकी सिमिलरिटीज हैं, वो ज्यादा मिलती जुलती हैं। तो नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन, ये देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म की जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से की जाती है। अब देखें टैक्सा, यहाँ पे मेंशन है टैक्सा ह्यूमन एंड पी। अब ह्यूमन और पी की आपस में क्लासिफिकेशन को यहाँ पे बताया गया है, तो इसका किंगडम जो है ह्यूमन का वो एनिमेलिया है, और प्लांट्स का जो है वो प्लांटी है, मतलब के पी का मटर का और ह्यूमन बीइंग का। अब ह्यूमन है, ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, जबकि मटर का जो है वो प्लांटी है पी का। नेक्स्ट है फाइलम, फाइलम इसका कॉर्डेटा। अब ह्यूमन का फाइलम कॉर्डेटा है, जबकि पी का मैंगोलियोफाइटा, इसका मैंगोलियोफाइटा है, और जबकि फाइलम जो है इसका ह्यूमन का कॉर्डेटा है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन का जो क्लास है वो मैमेलिया है, अब ह्यूमन की क्लास मैमेलिया है, जबकि पी की क्लास जो है वो मैंगोलियोप्सीडा है। अब यहाँ पी की जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, अब जबकि ह्यूमन की जो है वो डिफरेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को हम इसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, और ऑर्डर जो है इसका प्रीमेट्स है, और फैमिली मेनिडिया है, एंड जीनस जो है वो होमो है, और स्पीशीज जो है वो एच सेपियंस। और ये जो है इसकी ह्यूमन की है, तो पी की देखते हैं। किंगडम जो है पी का वो प्लांटी है, फाइलम जो है वो मैंगोलियोफाइटा है, और जबकि क्लास इसकी मैंगोलियोप्सीटा, और ऑर्डर जो है फैबिलीज, और फैमिली जो है फैबिसिया, और जीनस जो है इसकी पीसम है, और स्पीशीज जो है पी सेटिवम। ये इसकी जो है क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है उसको हम देखते हैं। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज जो है वो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है। अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज जो है वो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, विच कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड होता है फ्रीली अमंग देम, एक दूसरे के दरमियान वो उनकी जो इंटरब्रीडिंग है वो फ्रीली होती है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब के फर्टाइल बोलते हैं, मतलब ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, बट आर रिप्रोडक्टिवली, लेकिन रिप्रोडक्टिवली जो उनकी रिप्रोडक्शन है वो आइसोलेटेड होती है फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप, मतलब कि वो इसी तरह के नेचर रखने वाले जो ग्रुप्स हैं उन्हीं के साथ, मतलब कि उनकी जो रिप्रोडक्टिविटी है वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। लाइक ह्यूमन बीइंग का जो है ह्यूमन का ह्यूमन के साथ होगा, और इसका प्लांट्स का प्लांट्स के साथ, एंड एनिमल्स का एनिमल्स के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ईच स्पीशी पोसेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। अब जो हर स्पीशी है वो अपनी डिस्टिंक्ट एक अपनी अलग स्ट्रक्चर रखती है, उसका इकोलॉजिकल और बिहेवियरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी अपनी अलग तरह से हैं। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग का जो क्राइटेरिया है कॉन्ट बी यूज फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिज्म।
वो कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग का जो क्राइटेरिया है वो ऑर्गेनिजम्स में स्पीशीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं एंड डोंट इंटरब्रीड, और इंटरब्रीड नहीं कर होते विद एन अदर एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं हो सकते. नेक्स्ट है इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, अगर हम स्पीशीज की डेफिनेशन में देखें, वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर, तो हम नेचर में एम्फसाइज करते हैं कि नेचर के में दो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. मतलब कि हम अगर स्पीशीज में इसकी डेफिनेशन को देखें तो नेचर के अंदर जो के दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्पीशीज में वो एक दूसरे के साथ क्लोज है, तो हम उसकी क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं लेकिन आर्टिफिशियली तौर पे. इन सच अननेचुरल, अगर वो अननेचुरल क्रॉसेस हैं, मतलब कि उनके यहाँ साथ नेचुरल क्रॉस नहीं हो सकता इंटरब्रीड का, दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ क्रॉस बिटवीन अ मेल, अब जैसे कि ए मेल डंकी है एंड अ फीमेल हॉर्स, अब डंकी और हॉर्स की जो है वो नेचर डिफरेंट है बट वो क्लोज रिलेटेड है, तो उनकी प्रोडक्शन हो सकती है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसके नतीजे में म्यूल पैदा होता है. तो ये तो थी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी, और ये हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 को हमने डिस्कस किया है. सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स देखे हैं, इसके जो मेन टॉपिक्स थे बायोडाइवर्सिटी हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल, ये 3 मेजर टॉपिक्स थे, इनको हमने फर्दर स्टडी किया है.